डियर स्टूडेंट्स दिस इज प्रवीण कुमार अग्रवाल फ्रॉम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रोटरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी चंदौसी वेलकम यू इन माई टूडेज लेक्चर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द क्लासीफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज वहाँ मैंने आपसे डिफरेंट क्लासीफिकेशन के बेसिस पर फॉर्मेशन के बेसिस पर लाइबिलिटी के बेसिस पर नंबर ऑफ मेम्बर्स के बेसिस पर एंड कंट्रोल के बेसिस पर कंपनी के टाइप्स को डिस्कस किया था आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ एसेस टू कैपिटल मार्केट एंड ऑन द बेसिस अदर कंपनीज तो फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ कैटेगराइजेशन जब चलते हैं द फिफ्थ कैटेगराइजेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑनरशिप के बेसिस पर हम कंपनीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं द फर्स्ट वन इज द गवर्नमेंट कंपनी एंड सेकेंड वन इज नोन एज द नॉन गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है अ गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन फिफ्टी वन परसेंट ऑफ द पेडअप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय द स्टेट गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है कि जिस पर्टिकुलर कंपनी में कम से कम इक्यावन परसेंट पेडअप शेयर कैपिटल होनी चाहिए किसकी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की हो और कुछ स्टेट गवर्नमेंट की हो और टोटल वो इक्यावन परसेंट से कम नहीं होनी चाहिए तो ऐसी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी का नाम देते हैं दिस इज द कंपनी विच इज फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट हैज अ सेपरेट एंटिटी क्लियर सेकेंड वन इज द नॉन गवर्नमेंट कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी क्या होगी अ कंपनी इन विच फिफ्टी वन परसेंट और मोर ऑफ द देडअप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय वन और मोर प्राइवेट एंटीप्रीनियोर्स यानी कि जहां प्राइवेट एंटीप्रीनियोर्स के पास किसी कंपनी में इक्यावन परसेंट या उससे ज्यादा पेडअप शेयर कैपिटल होती है वो कंपनी क्या क्या है दैट कंपनी इज नोन एज द नॉन गवर्नमेंट कंपनी क्लियर नाउ कम टू द नेक्स्ट कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसेस टू कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट में एस के बेसिस पर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं द फर्स्ट वन इज लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है कि ये वो कंपनी होती है जिसके जो सिक्योरिटीज होती है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती हैं तो ऐसी कंपनी को हम लिस्टेड कंपनी का नाम देते हैं जितनी भी लिस्टेड कंपनी होती है दीज आर रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेमड अंडर द एम सी एमसी का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेट अफेयर्स इट्स ओके वन इज द अनलिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होगा दीज आर द दंपनीज विच हैज नॉट एनी ऑफ इट सिक्योरिटीज लिस्टेड टू एनी रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज यानी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर इनकी सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं होती हैं ऐसी कंपनीज को हम अनलिस्टेड कंपनीज का नाम देते हैं लिस्टेड कंपनीज क्या कर सकती हैं ये प्रोस्पेक्टस को इश्यू कर सकती है और उसके साथ साथ ये एफ पी ओ फर्दर पब्लिक ऑफरिंग को भी फॉलो कर सकती है और उसके बेसिस पर मार्केट में पब्लिक को सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करने के लिए इन्वाइट भी कर सकती हैं लेकिन अनलिस्टेड कंपनीज को अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो ये रिक्वायरमेंट वो अपने

चैरिटी या चैरिटेबल ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए जिन कंपनीज को फॉर्म किया जाता है उन्हें हम चैरिटेबल कंपनीज का नाम देते हैं इन कंपनीज को गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन के द्वारा फॉर्म किया जाता है एंड इट इज फॉर्म अंडर द सेक्शन एट ऑफ दिलियर सेकेंड वन इज द स्मॉल स्मॉल कंपनीज क्या होती है दीज आर दंपनीज हुआ नॉट मोर देन रुपीस फा यानी कि पचास लाख से ज्यादा इनकी पेट ऑफ शेयर कैपिटल एक्सीड नहीं करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ये रुपीज फाइव करोड़ तक एक्सीड कर सकती है इससे ज्यादा नहीं हो सकती है और जिनका टर्न ओवर दो करोड़ रुपए से एक्सीड नहीं करना चाहिए और मैक्सिमम लिमिट उनकी ट्वेंटी करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो ऐसी कंपनी को हम स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में रखते हैं क्लियर थर्ड कैटेगरेशन थर्ड टाइप इज डॉर्मेंट कंपनीज डॉर्मेंट कंपनीज क्या होती हैं इनको हम इनएक्टिव कंपनीज का भी नाम देते हैं इनएक्टिव कंपनीज का मतलब होता है इन कंपनीज को जो फॉर्म किया जाता है और रजिस्टर किया जाता है इस पर्टिकुलर पर्पज को ध्यान में रखते हुए कि ये कोई भी अपने करंट ऑपरेशन को फॉलो नहीं करती हैं लेकिन इनके पास अपनी असेट्स होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं और वो आने वाले प्रोजेक्ट के लिए इनको होल्ड अप करती हैं और आने वाले टाइम में अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए आज ही क्या करती है उनको फॉर्म कर लेती है और रजिस्टर कर लेती है तो ऐसी कंपनी को हम डॉर्मेंट कंपनीज का नाम देते हैं एग्जिस्टिंग टाइम में या प्रेजेंट टाइम में उनके कोई भी ऑपरेशन कंटिन्यू नहीं होते हैं ये फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू करेंगी लेकिन अपनी असेट्स और अपने पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बेसिस पर ये अपने आप को आज की डेट में फॉर्म कर लेती हैं और रजिस्टर कर लेती हैं तो ऐसी कंपनीज को हम डॉर्मेंट कंपनीज का नाम देते हैं ओके एंड लास्ट वन इज द फॉरन कंपनी फॉरन कंपनी का मतलब क्या होता है एनी ऑफ द कंपनी और बॉडी कॉपरेट विच इज इनकॉपरेटेड आउटसाइड इंडिया बट विच इज है यह मैं इंडियन डिफरेंस में बता रहा हूं यानी कि अगर कोई कंपनी का इनकॉपरेशन इंडिया से बाहर है किसी और कंट्री के अंदर उसका इंकॉपरेशन है उसका रजिस्ट्रेशन है लेकिन वो अपने बिजनेस को इंडिया में रन कर रही है तो ऐसी कंपनी को हम फॉरन कंपनी का नाम देते हैं डिफरेंट so क्लासीफिकेशन ऑफ कंपनीज नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द डिफरेंस बिट्वीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज जैसा हमने मेंबर्स के नंबर के बेसिस पर स्टडी किया था कंपनीज को तीन पार्ट में डिवाइड किया था पब्लिक कंपनीज प्राइवेट कंपनीज एंड वन पर्सन कंपनी अब हम स्टडी करेंगे कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनीज़ में नंबर ऑफ मेंबर्स के अलावा और क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं द फर्स्ट वन द फर्स्ट डिफरेंस इज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मस्ट बी टू इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड मैक्सिमम की लिमिट ये टू हंड्रेड तक हो सकती है जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम सेवन मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती है अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स को पब्लिक कंपनी में एड किया जा सकता है क्लियर सेकेंड वन इज प्राइवेट कंपनी को जब अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार करना होता है तो उसके लिए कंपनी एक्ट में कोई भी मॉडल आर्टिकल प्रोवाइडेड नहीं है उसे खुद से ही अपना आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन प्रिपेयर करना होता है जबकि अगर मैं पब्लिक कंपनीज की बात करूँ तो कंपनी एक्ट में इनके लिए एक मॉडल आर्टिकल प्रेस्क्राइब्ड है और इसी मॉडल आर्टिकल को फॉलो करते हुए हर कंपनी हर पब्लिक कंपनी को अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना होता है द थर्ड डिफरेंस इज देर इज़ अ प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स विद द कंसेंट ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स यानी कि अगर कंपनी अपने आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट को फॉलो करना चाहती है तो ये सारे मेंबर्स की कंसेंट से ही पॉसिबल है जबकि पब्लिक कंपनी में इसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना होता है द फोर्थ डिफरेंस इज प्राइवेट कंपनी कैन रेज कैपिटल बाई मीन्स ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर्स केवल केवल प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर्स के थ्रू अपने मेंबर्स से प्राइवेट कंपनी कैपिटल को रेज कर सकती है लेकिन जो पब्लिक कंपनी है वो प्रेस, प्रोस्पेक्टर्स को इश्यू करके और इसके साथ साथ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर को इश्यू करके अपने कैपिटल का अरेंजमेंट कर सकती है प्रोस्पेक्टर्स को इश्यू करके ये पब्लिक को इनवाइट कर सकती है सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने के लिए और इस तरह से ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कलेक्ट कर सकती है इन कंपेरिजन टू प्राइवेट कंपनी द फिफ्थ डिफरेंस इज प्राइवेट कंपनी में जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं लेकिन पब्लिक कंपनी में जो सिक्योरिटी होल्डर्स है या जो शेयर होल्डर्स है वो अपने शेयर्स और सिक्योरिटीज को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं इसके लिए उन्हें किसी भी रेस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं करना होता है नेक्स्ट वन इज दैट इज प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इन्वाइट एंड एक्सेप्ट डिपोजिट्स फ्रॉम द पब्लिक पब्लिक से डिपॉजिट को ना तो इन्वाइट कर सकती है और ना ही एक्सेप्ट कर सकती है लेकिन पब्लिक कंपनी ऐसा कर सकती है ओके नेक्स्ट डिफरेंस इज प्राइवेट कंपनी में कम से कम दो डायरेक्टर्स होने चाहिए और मैक्सिमम की लिमिट ये फिफ्टीन होती है हर कंपनी के केस में चाहे वो प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है या ओपीसी है हर कंपनी में मैक्सिमम फिफ्टीन डायरेक्टर्स होने चाहिए लेकिन प्राइवेट कंपनी में कम से कम दो डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए और पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में कम से कम तीन डायरेक्टर्स की अवेलेबिलिटी होनी जरूरी है और मैक्सिमम की लिमिट वही फिफ्टीन ही रहेगी द नेक्स्ट डिफरेंस इज प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर्स के रिटायर होने का कोई भी रोटेशन नहीं होता है लेकिन पब्लिक कंपनी में कम से कम टू थर्ड डायरेक्टर्स मस्ट बी रिटायर बाय रोटेशन उनको एक रोटेशन से रिटायर होना ये मस्ट होता है कम से कम टू थर्ड डायरेक्टर्स का क्लियर नेक्स्ट वन इज प्राइवेट कंपनी में हमें किसी भी टाइप के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जबकि पब्लिक कंपनी में कम से कम वन थर्ड ऑफ द टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नेक्स्ट डिफरेंस इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट फिल द कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ आ डायरेक्टर यानी कि अगर कोई डायरेक्टर किसी डायरेक्टर की डेथ हो जाती है तो उस केस में प्राइवेट कंपनी में वो कैजुअल वैकेंसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल नहीं कर सकते लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में ऐसा किया जा सकता है क्लियर अच्छा अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो नेक्स्ट डिफरेंस में तो प्राइवेट कंपनी में डिफरेंट टाइप की वर्किंग को फॉलो करने के लिए किसी भी की मैनेजरियल पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है की मैनेजर पर्सन क्या होती है इन्हें हम KMP के के नाम से भी जानते हैं जैसे कंपनी को सीईओ अपॉइंट करना है या कंपनी को मैनेजर्स अपॉइंट करने हैं या सेक्रेटरी अपॉइंट करनी है तो ऐसी भी ऐसे किसी भी के या की मैनेजर पर्सन को अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्राइवेट कंपनीज के अंदर हाँ अगर कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है वो पांच करोड़ या उससे ज्यादा है तो उस केस में कंपनी एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकती है बाकी इसके अलावा किसी और की मैनेजर को अपॉइंट नहीं किया जा सकता लेकिन अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो पब्लिक कंपनी में अगर पेड अप शेयर कैपिटल टेन करोड़ रुपीज या इससे ज्यादा है तो उसको की मैनेजर पर्सन को अपॉइंट करना मस्ट होता है क्लियर नेक्स्ट डिफरेंस मैनेजरल रेम्योरेशन पर यहां कोई भी लिमिट नहीं होती है यानी कि जो सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है तो उसके लिए जो रेम्योशन कंपनी फिक्स करना चाहे वो फिक्स कर सकती है उसकी कोई भी लिमिट नहीं हो सकती है लेकिन अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो जो टोटल रेम्यूशन आप पे करोगे के के लिए वो नेट प्रॉफिट के इलेवन से ज्यादा नहीं हो सकता है यानी कि मैक्सिमम अमाउंट नेट प्रॉफिट की इलेवन तक हो सकती है क्लियर नेक्स्ट वन इज कोरम की बात करते हैं जब कोई रिजोल्यूशन पास किया जाता है तो एक कोरम को फॉर्म करना होता है उस कोरम को फॉर्म करने के लिए प्राइवेट कंपनी में अगर कोई दो मेंबर्स भी मीटिंग में प्रेजेंट हैं तो वो कंप्लीट कोरम को फॉर्म कर लेते हैं लेकिन अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो पब्लिक कंपनी में यहां तीन कंडीशन हैं अगर नंबर ऑफ मेंबर्स एक हज़ार से कम है तो उसमें कम से कम फाइव मेंबर्स होंगे तब कोरम कंप्लीट होगा अगर नंबर ऑफ पर्सन एक हजार एक से पांच हजार के बीच में है तो एटलीस्ट फिफ्टीन तो से ज्यादा मेंबर्स हैं किसी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स है तो कम से कम तीस मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में तब एक कोरम फॉर्म होगा और उसके बेसिस पर आप रिजोल्यूशन को पास कर सकते हो दैट इज क्लियर नेक्स्ट डिफरेंस इज नो रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर एंड फाइल अ रिपोर्ट ऑन ए जी एम टू द रजिस्ट्रार क्या मतलब हुआ इसका कि अगर प्राइवेट कंपनी को कोई भी मीटिंग uh, ऑर्गेनाइज की जाती है प्राइवेट कंपनी के द्वारा तो उस मीटिंग की रिपोर्ट एजीएम का मतलब होता है एनुअल जर्नल मीटिंग तो उस पर्टिकुलर मीटिंग की रिपोर्ट प्राइवेट कंपनी को रजिस्ट्रार के पास नहीं करनी होती है क्लियर लेकिन अगर मैं किसी भी लिस्टेड कंपनी की बात करूं तो हर लिस्टेड कंपनी को ऐसा करना होता है जितनी भी जनरल मीटिंग्स उसके द्वारा फॉलो की जाती हैं, हर जनरल मीटिंग में जो भी इश्यूज फॉलो किए गए हैं उसकी एक फाइल प्रिपेयर की जाती है और उसकी रिपोर्टिंग कंपनी के रजिस्ट्रार के पास की जाती है ऐसा करना हर पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी है वेरी क्लियर अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी ओके थैंक यू